दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के एक सबसे खूबसूरत राज्य उत्तराखंड के 20 सबसे बड़े शहरों को देखेंगे। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड राज्य के 20 सबसे बड़े शहरों को। उत्तराखंड राज्य, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है, जहाँ कई हजारों वर्षों से तीर्थयात्री मोक्ष और पापों के शुद्धिकरण के लिए आते हैं। उत्तराखंड राज्य जहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री अर्थात गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल है। बाबा भोलेनाथ का केदारनाथ धाम इस राज्य की शोभा में चार चांद लगाता है। अपनी मनमोहक खूबसूरती और आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य, इसका पूर्व में नाम उत्तरांचल हुआ करता था। 1 नवंबर सन 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई और यह भारत का 27वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ यह राज्य उत्तराखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2023 के दौरान इस राज्य की वर्तमान जनसंख्या 1,17,05,000 है। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड राज्य के 20 सबसे बड़े शहरों को। और उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आपका स्वागत है इस वीडियो में। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड राज्य का 20वां शहर है टिहरी, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 33,000 है। न्यू टिहरी शहर, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है, साथ ही इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी इसी शहर में स्थित है। टिहरी के शहरी नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 11 वार्ड आते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड राज्य का 19वां शहर पौड़ी है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 34,900 है। पौड़ी गढ़वाल जिले का एक शहर है, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जहां भगवान लक्ष्मण जी को समर्पित एक दुर्लभ मंदिर, जिसे 1000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। इस मंदिर के साथ ही यहां अनगिनत पर्यटन स्थल भी मौजूद है। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड राज्य का 18वां शहर है भाजपुर। उत्तराखंड राज्य के भाजपुर शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 35,000 है। उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर जिले का एक औद्योगिक शहर भाजपुर, जो रुद्रपुर, काशीपुर और नैनीताल के निकट ही स्थित है। भारत की पहली सरकारी शक्कर मिल 16 फरवरी सन 1959 को भाजपुर में ही लगाई गई थी। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड राज्य का 17वां शहर सितारगंज है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 40,000 है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का सितारगंज शहर, जिसे औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तराखंड राज्य का 16वां शहर मसूरी है। मसूरी शहर की वर्तमान जनसंख्या 41,000 है। भारत के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले हिल स्टेशनों में से एक मसूरी, जो कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। मसूरी में हर साल तकरीबन 30 से 40 लाख सैलानी सफर के लिए आते हैं, जो उत्तराखंड राज्य के इस आकर्षक हिल स्टेशन की खूबसूरती का नजारा देखने पहुंचते हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड राज्य का 15वां शहर कोटद्वार है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 45,800 है। इस राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले का कोटद्वार शहर, जो खो नदी के तट पर स्थित है, जिससे इसका पुराना नाम खोद्वार हुआ करता था। यह शहर अपने प्रसिद्ध और पवित्र सिद्धबलि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कोटद्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। सिद्धबलि मंदिर भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त भी पहुँचते हैं। दोस्तों, कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेगा। प्रभु श्री हनुमान आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड राज्य का 14वां शहर अल्मोड़ा है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 46,000 है। अल्मोड़ा, जो कि एक जिला भी है, यह शहर राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। यह हिमालय में कुमाऊं पहाड़ियों की दक्षिणी ढलानों में बसा हुआ है। शहर के समीप से ही कोसी नदी और सियाल नदी भी बहती है। साथ ही यह शहर एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र भी है। उत्तराखंड राज्य का 13वां शहर नैनीताल है जनसंख्या के आधार पर। नैनीताल शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 55,000 है। उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक नैनीताल, जो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा है। यह स्थान झीलों से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस शहर का नाम ही नैनीताल पड़ा है।
नैनीताल खुद एक जिला भी है जहाँ अनेकों पर्यटन स्थल मौजूद है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का 12वां शहर किच्छा है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 56,000 है। किच्छा शहर जो उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले में स्थित एक शहर और नगर पालिका परिषद है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का चौथा सबसे बड़ा शहर है। किच्छा तहसील जो उत्तराखंड की एक सबसे पुरानी तहसील भी है, जिसकी स्थापना अंग्रेजी शासन के काल में हुई थी। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड राज्य का 11वां शहर जसपुर है। जसपुर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 67,000 है। जसपुर जो उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले का एक शहर है, जहां आम, अमरुद और सेब के कई बगान हैं। साथ ही जिम कॉर्बेट पार्क यहां से निकट होने के कारण बहुत से सैलानी इस शहर से होकर गुजरते हैं। यहां पर विश्व प्रसिद्ध श्री पंचमुखी महादेव मंदिर स्थापित है। इसी शहर के पास हिडिम्बा देवी का मंदिर भी है, जहाँ पर विराट मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड राज्य का 10वां शहर मंगलोर है जनसंख्या के आधार पर, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 72,000 है। मंगलोर जो उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में एक ऐतिहासिक शहर है, जहां राजा विक्रमादित्य के समय का ईंटों से बना एक किला आज भी मौजूद है। मध्यकालीन युग में यह क्षेत्र ब्राह्मणों और गुर्जरों के नियंत्रण में था। इस शहर का नाम मंगलोर तब पड़ा जब यह राजा मंगल सेन की राजधानी हुआ करता था, जिसका प्रतीक आज भी इस शहर में मौजूद है। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का 9वां शहर रामनगर है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 75,000 है। रामनगर जो उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल जिले का एक शहर है, भारत के सबसे पुराने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार इसी शहर के पास है। साथ ही शहर के पास स्थित करजिया देवी मंदिर, सीताबनी मंदिर और सीताबनी वन्य जीव रिजर्व भी यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। उत्तराखंड राज्य का 8वां शहर है पिथौरागढ़ अपनी जनसंख्या के आधार पर, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 76,000 है। पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, यह राज्य का एक प्रमुख शहर है। इस शहर का पुराना नाम सोरघाटी था। माना जाता है कि यह क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड का 7वां शहर है ऋषिकेश, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 1,40,000 है। ऋषिकेश जिसे विश्व की योग नगरी के रूप में जाना जाता है, उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है। ऋषिकेश जो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और हिंदुओं के एक सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तराखंड का 6वां शहर काशीपुर है जनसंख्या के मामले में। काशीपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,66,000 है। काशीपुर जो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का एक शहर है, उधम सिंह नगर जिले के पश्चिमी भाग में स्थित यह कुमाऊं का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड राज्य का 5वां शहर है रुद्रपुर, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 2,12,000 है। रुद्रपुर शहर जो उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले में स्थित एक शहर है, जो जनसंख्या के आधार पर कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की स्थापना कुमाऊं के राजा रुद्रचंद्र ने 16वीं शताब्दी में की थी। रुद्रपुर जो उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र होने के साथ साथ उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय भी है। उत्तराखंड राज्य का 4था शहर जनसंख्या के आधार पर है हल्द्वानी, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 2,32,000 है। हल्द्वानी जो उत्तराखंड के कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है। साथ ही हल्द्वानी का जुड़वा शहर काठगोदाम जो इस शहर का एक उपनगर है। काठगोदाम हल्द्वानी के ठीक उत्तर में है, जो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादकों का एक प्रमुख केंद्र है। वही हल्द्वानी इस राज्य में एक घनी आबादी वाला शहर है, जो यहाँ का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बाजार भी है। हल्द्वानी को उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, जहां राज्य की सबसे अधिक वाणिज्यिक, आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां होती है। हल्द्वानी नैनीताल जिले में स्थित है। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड राज्य का 3रा शहर है रुड़की, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 2,38,000 है। रुड़की जो उत्तराखंड राज्य में स्थित एक शहर और नगर पालिका परिषद है, इसे रुड़की छावनी के नाम से भी जाना जाता है, जहां देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक छावनी स्थित है। रुड़की जहां पूर्व में गुर्जरों की रियासत हुआ करती थी, इस शहर में आज भी गुर्जरों की जनसंख्या सबसे अधिक है।
उत्तराखंड राज्य का दूसरा शहर जनसंख्या के दृष्टिकोण से है हरिद्वार, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 3,14,000 है। हरिद्वार जो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र शहर तथा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ है। हरिद्वार बहुत ही प्राचीन शहर है, साथ ही हरिद्वार हिंदुओं के साथ पवित्र तीर्थ स्थलों में से भी एक है। हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती है। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड राज्य का पहला और सबसे बड़ा शहर है देहरादून, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 7,84,000 है। देहरादून शहर जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी और इस प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, यह इस जिले का मुख्यालय भी है। देहरादून शहर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां कई प्रसिद्ध मंदिर, वन्य जीव अभयारण्य, ऐतिहासिक महत्व के संग्रहालय और मनोरंजन पार्क मौजूद है। वैसे दोस्तों, पूरा उत्तराखंड राज्य ही अपने आप में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहां साल भर सैलानियों का आना जाना रहता है। वैसे आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, और साथ ही अगर आप ये जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो उस जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।